वक्त जा रहा है तेजी के साथ। आज 14वां रोजा हो गया, अभी अल्लाह जानता है जी 16 बाकी है कि 15 बाकी है, ये तो उसी को पता है। अपने अल्लाह को राजी करो, अपने अल्लाह को मनाओ, अपने वक्त जा रहा है। अल्लाह सब कुछ दिखाए, लेकिन पता तो नहीं ना अगला किस किस ने देख लिया। मैं तकरीबन अक्सर ये सलमीना हकीम साहब का पहला जुमा हुआ करता था, फरमाते हैं बाहर जाने को थी, बुलबुल रो रहा था, छोटा बुलबुल, उसको रोता देखकर ना किसी सियाने बुलबुल ने पूछा, ओए वो तू क्यों रोने है? उसने कहा बाहर जा रही है, मैं इसलिए रो रहा हूँ, जा रही है बाहर। अब तो अभी मस्जिदें देख देख के भी रोना आता है। पिछले जुमे मैंने कहा था ना, सिर्फ हाल तक है, जहाँ मैं रह रहा हूँ, जहाँ मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। लेकिन अरे आज हाल की भी दो सफ़े खाली थी पीछे से, पता नहीं क्या हो रहा है। हालांकि उन्हें तो ये चाहिए था ना, जैसे जैसे रमज़ान जा रहा है हमें ये ज़्यादा फिक्र होती, वो जा रहा है रमज़ान है अभी तक रब राज़ी नहीं हुआ, ज़्यादा मेहनत, लेकिन क्या हो रहा है, जैसे जैसे रमज़ान जा रहा है वैसे वैसे नमाजी भी जा रहे हैं, जैसे जैसे रमजान जा रहा है वैसे वैसे नवाजी। और दुख ये है कि बस कुछ बातें कड़वी हैं, समझ नहीं आती कि बंदा करे या ना करे। इस दिन फर्स्ट था ना, फर्स्ट रमजान, इस रमजान की बात नहीं, क्योंकि इस दफा फर्स्ट रमजान तो चलो वहां था ना, मैं जो है ना अपने जब आया तो जाहिर है पहला दिन था, बड़ा रश था, मैं बड़ा बड़ा हैरान हुआ बंदे की बात सुन के। वो जो पहली साफ में बैठने वाला था, जाहिर फर्स्ट रमजान था, लोग आए, वो पहली साफ से जरा पीछे चला गया, तो आगे फसली बटेरे ने एवं थोड़े दिनों बाद लबना भी नहीं आना। तो मेरे दिल में ख्याल है यार ये कैसा नमाजी है, इसको इस बात की खुशी नहीं है कि यार शुक्र है रब का कार पर है, इस बात पर रोना रो रहा है कि मुझे पीछे बैठना पड़ गया। दूसरा दुख इस बात का हो कि इसको इस बात पर भी दुख नहीं है कि यान करीम मस्जिद फिर खाली हो जाएगी। और भाई नमाजी हो तुम, किस तरह के नमाजी हो? वो आगे से नहीं फसली बटेरे ने भाव नहीं गए कल, मैंने कहा कैसा बंदा है, इसको इस बात की जरा खुशी नहीं। चलो यार वो एक महीने नहीं भरया गया, रब का घर तो भरया गया ना, ये कैसा नमाजी है, इसको इस बात की खुशी कोई नहीं। और दुख रहा है इसको इस बात का भी दुख नहीं होगा, ये नमाजियान करीब चले जाएंगे और जी मैं फिर अपनी जगह पर वापस आ जाऊंगा। वो कैसे नमाजी हैं हम लोग, कैसे नमाजी हैं हम लोग। वो बेड़ा तो दुनियादार का भर जाए, वो भी खुशी करता है आज मेरा बेड़ा भरया गया। तुसी किस तरह से नमाजी हो यार, ना तुम्हें लोगों के आने की खुशी हुई, ना तुम्हें लोगों के जाने की खुशी होगी, तुम्हें सिर्फ इस बात का काम है कि मैं पहली साफ से उठ के पिछली साफ में चला गया। पता नहीं तुम्हें काम है कि नहीं है, लेकिन मस्जिद जरूर खुश भी हुई होगी और गमगीन भी होगी। जिस दिन भरी गई होगी उस दिन खुश भी होगी, और जैसे जैसे ये खाली हो रही है जाहिर है ये गमगीन भी है। वही फिर चार पांच नमाजी रह जाएंगी, वही फिर पहली सफ होगी वो भी नहीं भरी जाएगी। तो बुलबुल ना रो रहा था, बुलबुल ही रोंदे ना, कावां ने नहीं ना रोना होंदा, अरे कां ही सारे इधर रोता बुलबुल है, जी कां नहीं रोते है, कां सारे इधर। मुझे अल्लाह की कसम में बड़ा दुख हुआ उस नमाजी की बात सुनी, कैसी बात कर रही है, इसको कोई खुशी नहीं है यार आज मालिक का घर भरया गया। अगू बस साड़ फक के कहना मौसमी बटेरे ने टुरी जाना, उसको इस बात का भी दुख नहीं है कि ये चले जाएंगे फिर सारे के सारे। लौना चाहिए अदर जी, जिन्हें असी नमाजी हैं ना जो रमजान में आते हैं ना, सारे पैर फाड़ लिए ना जाओ यार, क्यों जाते पे ना जाओ। हला होना ये चाहिए था, जितने हम नमाजी हैं ना वो जो आहिस्ता आहिस्ता फजर में आना छोड़ के सारे हम सारे इकट्ठे होकर उनके घर में जाते, जी पहले रोजे भी आए, दूसरे भी आए, तीसरे भी आए, चौथे भी आए, अब क्यों नहीं आ रहे। बल्कि जो नमाजी ने खुश ने, चलो टुर गए मैं फिर पहली साफ च वापस आ गया। तू किस तरह के नमाजी हो, किस तरह के नमाजी हो, तुम किस तरह के नमाजी हो। वो बुलबुल रो रहे थे, किसी ने पूछा क्यों रो नहीं, उन्होंने कहा बाहर आई थी और अब बाहर जा रही है। तो जो सियाणा बुलबुल था ना, बाद दफा हजरत जी बंदा एवं उमरू तो वजह कता नहीं सियाणा लगता, सियाणा कोई नहीं होंदा, बाद दफा कोई छोटा ही होंदा, अल्लाह सियाणा कर छड़ दे। ये कौन सा उम्रों पे डिपेंड करता है, ये तो उसके फजल पे है,
जे चाहे ते राजां दे नूं तख्त अता फरमाए, जे चाहे ते शाहां कोलों दर दर खैर मंगाए। अगर वो चाहे तो ईसा अलैहि सलाम पंगूड़े में ऐलान फरमाते हैं, इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब व जालनी नबिया।